तो दोस्तों जब आप पुटका पहाड़ में चढ़ते रहोगे तो जस्ट राइट साइड में आपको एक इस तरह से बिल्डिंग देखने को मिलेगा शायद। मेरे पीछे कोई आ तो नहीं रहा है? नहीं आ रहा है, मतलब सेफ हूँ मैं। और थोड़ा देख देख के चलते हैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ भी स्नैक स्नैक हो सकता है, स्नैक स्नैक ऐसे पुश कर सकता है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इका व्लॉग। अभी हम लोग निकल चुके हैं कॉफ़ी पॉइंट के लिए। निकल चुके हैं क्या? पहुंच चुके हैं। तो ये देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं कॉफ़ी पॉइंट, और यहाँ ऊपर पे है गेस्ट हाउस, और जयंत भाई पीछे कुछ अपलोडिंग कर रहे हैं। और मैं यहाँ पौधा लगाया था, आपको दिखाता हूँ। चलिए, लिली फूल लगाया था, पता नहीं कौन कौन सा कलर का है, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन उग गया है वो। कहाँ है भाई, दिख जा। ये रहा, चलो ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना छोटा छोटा, ये वाला लिली फूल है। और ऐसा ऐसा करके वहाँ तक लगाया हूँ, तो फ्यूचर में ये खिलेगा तो काफ़ी सुंदर लगेगा। तो मुझे ज़रूर याद करना इक्का व्लॉग को, क्योंकि मैंने ही लगाया था। और इसके नीचे साइड भी एक फूल लगाया, वो भी काफ़ी सुंदर है। और इधर अपलोडिंग का कार्य प्रगति पर है। और ये देखिए कॉफ़ी पॉइंट, टावर दिखाता है ना, देखते हैं कहीं पे मस्त व्यू पॉइंट है। लास्ट टाइम मैं गया हुआ था तो देखा था सुशील के साथ, वहीं जाने की कोशिश करेंगे। और पता नहीं अभी पानी कम गिर रहा है तो शायद पानी, तो देखते हैं, दिखेगा तो अच्छी बात है, नहीं दिखेगा तो भी क्या क्या ही कर सकते हैं। बाकी नेचर व्यू का आनंद आपको ज़रूर दिलाएंगे, तो बने रहो यार चैनल पे। नए हो तो लाइक कर दो, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, नोटिफिकेशन बेल को तो बिल्कुल भी मत भूलना। चलो फिर चलो। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अभी दूधी टांगर में, और लगभग एक घंटा हो गया हम लोग आराम से आ रहे हैं, इसलिए चलते चलते यहाँ पे दूधी टांगर पहुँचे हैं। और यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं पुटका पहाड़, जो कि इस दूधी टांगर के रोड से लगभग 14 किलोमीटर पड़ता है। और मेरे पीछे अगर आप देख सकते हैं, ये जो भी है यहाँ पे लिखाया हुआ है जगह का नाम, कि ये कौन से एरिया में पड़ता है, कौन से तालुका में पड़ता है। और जस्ट इधर राइट साइड में अगर देखना चाहेंगे तो सूचना पटल है, जो आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। जयंत भाई इधर आगे है, पता नहीं कहाँ गायब हो गया है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो चलो फिर चलते हैं अब। जाओ थोड़ी दूर से। तो गाइस आप ये, ओ माय गॉड, तो गाइस हमें यहाँ पे अचानक से एक ऐसा गिलहरी दिख गया है जो बहुत ही मतलब विलुप्त प्रजाति बोल सकते हैं, लेकिन अपने पुटका पहाड़ में मतलब दिख गया भाई। तो इसका फोटो आपको शेयर करेंगे, ज़रूर देखिए और कमेंट कीजिए भाई ऐसा गिलहरी आपने कहाँ कहाँ देखा है। किसी उद्यान में देखा होगा, लेकिन यहाँ पे तो पुटका पहाड़ में बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा। तो आपको दिखाता हूँ, चलो फोटो। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं गिलहरी अचानक से रास्ते में दिख गया, तो हम लोग इसका फोटो सेशन करने के लिए काफ़ी देर रुक गए हैं। हम लोग काफ़ी अंदर आ चुके हैं पुटका पहाड़, जो अपना बॉक्साइट खदान था वहाँ जा रहे हैं फिलहाल देखने के लिए। और बीच में एक स्पॉट पड़ता है, वहाँ भी उसको कवर करने की कोशिश करेंगे हम लोग। और शायद वो वीडियो में डाला हुआ था ऐसा लग रहा है, पुटका पहाड़ का शायद सेकेंड या फर्स्ट पार्ट में, मैं देख के आपको शेयर कर दूँगा। और रोड काफ़ी अच्छा बन चुका है, पहले तो कुछ भी नहीं था भाई, पूरा उबड़ खाबड़, मतलब क्या ही बोले, मतलब ऑफ रोडिंग का मज़ा लेना था ना तो उसी टाइम आना था, अभी तो बस ऐसा प्लेन में चलो चलो चलो, मतलब मंजिल पे पहुंचना है बस इतना पता है। और इसी तरह की कुछ
अच्छे अच्छे लोकेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वाह मस्त आवाज़ है यार, बहुत ही मज़ा आ रहा है। चलो फिर देखते हैं आगे। डर के आगे बिट्टू। तो दोबारा से गाइस मैं पहुंच चुका हूं यहां पे पुटका पहाड़ में, जहां पे बॉक्साइड उत्खनन, बॉक्साइड मतलब निकाला जाता था एल्युमिनियम बनाने के लिए बालको प्लांट के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और वो उस पॉइंट को दोबारा से आपको दिखाता हूँ जो नींबू का झाड़ में देख के गया था। और थोड़ा देख देख के चलते हैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ भी स्नैक स्नैक हो सकता है, स्नैक स्नैक ऐसे पुश कर सकता है। शायद मुझे डंडा पकड़ लेना चाहिए, काटो ऐसे वाला, इस डंडे को मैं पकड़ लेता हूँ। हाँ तो कुछ दिख जाएगा तो फिर जो भी है मैं डंडे से ऐसे ऐसे करके चलूँगा। अच्छा डंडा तो नहीं मिला है लेकिन काम चल जाएगा। हाँ तो पहुँच गया मैं। ये देखिए वो नींबू का झाड़ में अभी भी फल लगा हुआ है भाई। चलिए पास से आपको दिखाता हूँ मैं। तो लास्ट टाइम तो यहाँ से सुशील चढ़ के वहाँ पे तोड़ लिया था, लेकिन इस बार मैं नहीं चढ़ूँगा क्योंकि नींबू अपने पास काफ़ी है। अगर नहीं रहता तो ज़रूर चढ़ के तोड़ता। और ये देखिए मेरे हाथ में नींबू एक तोड़ लिया हूँ। मैं सोच रहा हूँ नज़र मत लगे किसी को और हमको भी, इसलिए मैं नींबू तोड़ लिया हूँ और उसको पकड़ लेते हैं और हम लोग चलते हैं आगे। इसके जस्ट लेफ्ट साइड में या आसपास में जो वर्कर हुआ करते थे उनके क्वार्टर्स बने हुए थे और वो आगे में भी बने हुए थे। तो देखते हैं अगर हो सके, पॉसिबल हो सके तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। और अगर पहले की वीडियो आपने देखा होगा तो पूरा रोड ख़त्म था, मतलब कुछ रोड ही नहीं था, पूरा ऑफ रोडिंग था। बहुत मज़ा आता था ऑफ रोडिंग करने के लिए। इस बार तो ऑफ रोडिंग ख़त्म हो गया है, पूरा एकदम बन गया है मस्त सड़क। तो अब जिस किसी को भी आना होगा पुटका पहाड़ तो नो टेंशन, आराम से आ जाओ यार, मस्त सड़क बना हुआ है। अभी चलते हैं थोड़ा सा आगे। जयंत भाई उधर जा चुका है, गाड़ी चालू करता हूँ मैं। वो बादल भी गरज रहे, आवाज़ आया। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं। वाह काफ़ी ज़्यादा ख़राब रोड है और वीडियो थोड़ा स्टेबल नहीं आएगा, सॉरी। कोशिश करता हूँ कि आ जाए। और ये जो लाल लाल आप देख रहे हैं, ये जो जितना भी मिट्टी दिख रहा है या फिर जो भी पत्थर वगैरह है, ये सब पूरा बॉक्साइट पत्थर है, जिससे इसको गला गला के एल्युमिनियम बनाया जाता था। ये देखिए यहाँ भी है, ये जितना भी पत्थर दिख रहा है आपको, ये पूरा बॉक्साइट पत्थर है और इसको बालको प्लांट गला के एल्युमिनियम बनाया करता था, एल्युमिनियम की सिल्ली, जिससे हर जगह सप्लाई किया जाता था, जहाँ भी बर्तन बनाने के लिए, चाहे सिक्के बनाने के लिए। पुराने ज़माने में एल्युमिनियम के सिक्के बहुत ही ज़्यादा चलते थे, प्रचलन में थे, 5 पैसा 10 पैसा 1 पैसा ऐसा ऐसा, तो इसी से बनता था एल्युमिनियम से। और अभी थोड़ा पास से दिखाता हूँ आपको कि कैसा दिखता है, मतलब एक्चुअली में ये वाला बॉक्साइट पत्थर है, ये वाला जहाँ तक शायद मतलब यही होना चाहिए। और इधर लगभग लगभग वो ख़त्म ही हो चुका था होगा शायद, इसलिए बालको प्लांट ने बंद कर दिया इस पुटका पहाड़ के बॉक्साइट खदान को। और अभी यहाँ पे केवल मुरुम बचा हुआ है, जिसका उपयोग करके जो रोड आपने देखा आते हुए वो रोड बनाया गया है। अभी हम लोग इस वेल बोले तो कुएं की साइड जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं यहाँ कुछ है या नहीं। क्या हो गया? पूरा एकदम सुन सपाट खाली, और यहाँ पे झट्टा वट्टा फेंका गया है। और ये रहा और एक कुआं, लेकिन इससे पहले जब आया था शायद ये नहीं टूटा, नहीं टूटा हुआ था, टूटा हुआ था। ये कुआं पूरा समतल हो गया है ना। और लास्ट वाले वीडियो में आपने देखा होगा तो यहाँ पे मैं कुछ दिखाया था आपको, ये देखिए। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर है पुटका पहाड़ का, जो यहाँ पे पूजा वगैरह करने के लिए यहाँ पे मंदिर की स्थापना की गई थी। चलिए आपको दिखाते हैं
साइड से चलते हैं, यहाँ पे पानी टंकी है ये जस्ट बैक साइड पे, तो ये दिखाता हूँ आपको। अंदर कुछ होगा तो नहीं बोल सकता, लेकिन ये देखिए ये पानी टंकी है। ये देखिए जस्ट बैक साइड पे इधर इसका दरवाज़ा है। और यहाँ पे और एक चीज़ था, हाँ ये यहाँ पे मीठा नीम पत्ती दिखाया था लेकिन इस बार नहीं है। ये देख कैसे जाम का था, देख शायद ये देख मर गया। तू तू उधर था क्या हो रहा है। और ये देखिए मंदिर, यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की गई थी। और यहाँ पे सन वगैरह तो नहीं बताया है कि किसके आसपास इसकी स्थापना की गई थी। बाकी ये देखिए काफ़ी खूबसूरत सा मंदिर बना हुआ था। और यहाँ पे शायद एक पक्का भी है, ये रहा जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ से चलते हैं घर की ओर, क्योंकि काफ़ी पानी गिर रहा है। देखिए पुराने ज़माने का खंभा अभी भी ऐसा ही पड़ा हुआ है, और पुराने ज़माने में खंभे में इस तरह से पता नहीं सील मुहर लगा हुआ करता था, आजकल तो ऐसा नहीं आता है यार। और आप देख सकते हैं इसमें ओडिशा सीमेंट करके लिखा हुआ है, और मैन्युफैक्चर्ड बाय ओडिशा सीमेंट, और ये शायद JPL है, ये क्या है नहीं पता, और जो भी है नीचे लिखाया हुआ है। तो चलिए वापस चलते हैं। तो दोस्तों जब आप पुटका पहाड़ में चढ़ते रहोगे तो जस्ट राइट साइड में आपको एक इस तरह से बिल्डिंग देखने को मिलेगा। शायद ये पता नहीं चेक पॉइंट था ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जस्ट स्टार्टिंग में ही था, और हो सकता है या फिर ऑफिसर लोग का घर हो। तो थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, इस साइड में देखिए 1-2 और इधर भी आगे है। और यहाँ पर मैं लास्ट टाइम आपको दिखाया था तो फुटबॉल फुल काफ़ी सारे यहाँ पे है। ये देखिए दिख तो नहीं रहा, ये देखिए फुटबॉल फुल कितना प्यारा खिलता था होगा और अभी भी खिलता ही होगा। तो चलिए वापस चलते हैं। मेरे पीछे कोई आ तो नहीं रहा? नहीं आ रहा है, मतलब सेफ हूँ मैं। चलो चलते हैं। तो यही लाता हूँ, हम देख सकते हैं 10 किलोमीटर ये दीवार। तो ये नीचे में भी और एक रास्ता है जिसमें हम लोग जाते हैं। तो सीधा बनाते भी, इसको टेढ़ा मेढ़ा कैसे बना दिए? नहीं तो ये पहले से था ना ये वाला जिसमें उतर रहे हैं हम लोग वो। तो दोस्तों हम लोग एक ऐसे व्यू पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां पे डेड बटरफ्लाई दिखता था पहले। अभी तो अब रोड इस तरह से बना दिया गया है कि अब वो नहीं दिख रहा है। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इस साइड से अपने को पुटका पहाड़ से, मतलब इस साइड से पुटका पहाड़ से उतर रहे थे और इधर से पुटका पहाड़ चढ़ रहे थे। तो इसी के जस्ट इन दिस वे यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, वाटरफॉल है, जो अभी पानी नहीं होने की वजह से दिख नहीं रहा है और हम लोग जाएंगे भी नहीं। वाह बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है, आँख से अलग ही दिखता है और कैमरा से थोड़ा अलग ही दिखता है। और यहाँ पर अंजीर वगैरह का पौधा काफ़ी है, ये जो आप दिख रहे हैं ये अंजीर का पौधा है। और जस्ट इधर धूप वगैरह इस सरई पेड़ में काफ़ी ज़्यादा है, दिख नहीं रहा है मोबाइल में लेकिन बहुत सारा इसमें धूप निकला हुआ है। और जस्ट इधर आप देख सकते हैं झाड़ू का पौधा, किसी ने झाड़ू का पौधा देखा नहीं होगा तो ये झाड़ू का पौधा है जो आप पक्के के घर में या फिर टाइल्स के घर में यूज़ करते हो, जो झाड़ू फूल झाड़ू वो एक्चुअली में इसी का रहता है, इसी से निकलता है फूल झाड़ू। कहीं दिखेगा तो आपको ज़रूर बताऊँगा मैं, यहाँ पर है लेकिन झड़ चुका है वो। तो अभी हम लोग वापस चलते हैं। बम, अरे भाग रे।